नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण पब्लिकेशन के रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये चार बुक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको सिलेक्शन दिलाने में ये चारों बुक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकती है। अब दोस्तों आप देखेंगे पहला बुक दोस्तों हमारे पास है मैथ्स का, तो इन चारों बुक का एक ही पैटर्न है। टोटल सभी बुक में आपको 255 सेट यहां देखने को मिलेंगे और ये सभी दोस्तों टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहां पे दोस्तों देख सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज है, जिसमें मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सभी बुक में 2018 से 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सभी बुक दोस्तों ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन बैंक है दोस्तों इस बुक में, सभी में आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। जैसे ये सभी बुक में आपको सेम पैटर्न है, जैसे एनटीपीसी के 129 सेट है स्टेज वन का, इसके बाद स्टेज टू में 18 सेट है, ग्रुप डी में 40 सेट है, एएलपी में 30 सेट है और स्टेज टू में 9 सेट है, एसआई में 9 सेट है, उसके बाद आरपीएफ में 19 है और जीडीसी में 1 सेट है। तो सभी बुक में एक ही पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो किसी एक बुक के बारे में मैं बता देता हूँ, सभी बुक का दोस्तों पहले एमआरपी बता देता हूँ। जो मैथ्स वाला बुक है दोस्तों उसका एमआरपी 525 रुपए है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये रीजनिंग का बुक है मेरे हाथ में, 525 रुपए है, जिसपे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद ये दोस्तों सामान्य अध्ययन का बुक है, 395 एमआरपी है। उसके बाद जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान का बुक है, जिसपे 295 एमआरपी है। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैथ्स के बारे में हम देखते हैं, तो मैथ्स में 696 पेज है, रीजनिंग में 640 पेज है, सामान्य अध्ययन में 568 पेज है और जनरल साइंस में 352 पेज है। अब यहाँ पेज क्यों घट गए जनरल साइंस में सामान्य विज्ञान में, क्योंकि सामान्य विज्ञान जो होता है रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नंबर ऑफ पेज आपको कम देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, बाकी सब जो सब्जेक्ट है वो सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों सभी बुक के साथ आपको एक कूपन कार्ड देखने को मिल जाएगा 100 ऑनलाइन टेस्ट के लिए, तो इसे आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। लिंक मतलब जो भी डिटेल है कैसे आपको टेस्ट देना है सारा कुछ पहले पेज में लिखा हुआ है। सभी बुक में दोस्तों इस तरह से आपको सारे बुक का दोस्तों पैटर्न एक है। यहाँ पे सबसे पहले ईएलपी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद एसआई, कॉन्स्टेबल, एनटीपीसी स्टेज वन, स्टेज टू, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप डी और सबसे लास्ट में जीडीसीई। सारे बुक में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद आंसर की देखने को मिलेंगे, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो एक ही पैटर्न है दोस्तों, कुल मिला के ये चारों बुक आपके पास होने चाहिए किरण पब्लिकेशन की। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, इन चारों बुक को आप परचेज कीजिए, खरीदिए ऑनलाइन ऑफलाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है इन चारों बुक के बाद आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस बुक भी है इनके, उनको भी आप ले सकते हैं। इनका एक और बुक है दोस्तों आता है यहाँ पे, ये रेलवे का सामान्य ज्ञान है, एनसीईआरटी पर आधारित है, इसे भी आप चाहे तो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।